तो आप पे क्या वो ऑर्डनरी पर्सन है जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ड्रीम्स देखता है, जैसे कि स्टीव जॉब्स, एलॉन मस्क, एंड आप उसको फॉलो करने का पीछे दौड़ते हैं, बट आप क्यों नहीं कर पा रहे? वहीं आपके कई दोस्त होंगे जो इतने ऑर्डनरी है, देन ऑल्सो इतना एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ड्रीम्स देख के वो आगे बढ़ रहे हैं, इतना पुश करते हैं, वो कैसे कर लेते हैं? एंड वही आप भी करना चाहते हैं, जब वो कर सकते हैं आप क्यों नहीं कर सकते? एंड आप इतना ट्राई करते रहते हैं बट स्टिल नहीं होता है, देन इसमें आपको लगता है कि इसमें मेरा कहाँ गलती रह गया? देन इसमें हम लोग का प्ले आता है डोपामिन सिस्टम। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग जानना चाहेंगे कि डोपामिन क्या होता है, डोपामिन डिटॉक्स क्या होता है, एंड इसका बेनिफिट्स क्या है, हमें इसे कैसे यूज़ करना चाहिए, एंड ये हमें लॉन्ग रन में कैसे अफेक्ट करेगा। था डोपामिन का, डोपामिन क्या होता है? डोपामिन एक तो न्यूरो ट्रांसमीटर है जो हमारे न्यूरॉन्स के द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है ब्रेन में। जब हम कोई एक्टिविटी करते हैं जो हाईली प्लेजरेबल होता है, जैसे कि हम लोग गेम खेलते हैं, वो एक रिवॉर्ड सिस्टम जैसे हेल्प एक्ट करता है जो हमें और आगे पुश करता है कि वो टास्क और करे, एंड उससे हमें फील गुड सेंसेशन मिले। वो एक केमिकल मैसेंजर की तरह काम आता है। सो आई एम शेयरिंग अ डोपामिन केस स्टडी। सो एक तो केस था बड़ा सा, उसमें एक रैट को रखा गया था एंड उसमें एक तो लीवर रखा हुआ था। सो जब वो रैट एंड वो रैट्स लोगों को सिखाया गया था कि कैसे वो लीवर को टाने, एंड उनके ब्रेन में एक इलेक्ट्रोड लगा के रखा था कि जैसे कि उनको डोपामिन मिले तो वो मेजर कर सके कि इन ये टास्क से उसे कितना डोपामिन मिल रहा है। देन वो रैट जब वो लीवर को टानता था उसे एक झटका मिलता था, एंड वो झटका तो उसके लिए डेंजरस था बट उससे उसे डोपामिन मिलता था। वो कोकेन टाइप था बट वो रिस्क लेते गया एंड लेते गया, एंड साइंटिस्ट ऑब्जर्व कर रहे थे कि ये कोई भी रिस्क ले सकता है उस डोपामिन को पाने के लिए, बट वो तो इमोशनलेस है एंड वी आर ह्यूमंस, वी हैव एबिलिटी टू थिंक, बट स्टिल हम लोग वही करते हैं जो हमें हार्मफुल है, एंड हम लोग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का पीछे भागते हैं, डिलेड ग्रेटिफिकेशन को छोड़। वही ये डोपामिन अगर गलत चीज़ में लग गया तो एडिक्शन बन जाता है, एंड वही अगर हम सही चीज़ में करना शुरू करें तो ये हमें आगे पुश करता है, एंड ये हमें आगे एवोल्यूशन की तरफ ले जाता है। बात उठता है कि अब ये डोपामिन डिटॉक्स क्या है? सो डोपामिन डिटॉक्स होता है कि हमारे डोपामिन सिस्टम को डिटॉक्सिफाई करना। सो ये हम अचीव कर सकते हैं एक दिन में। तो ये कैसे करते हैं, आप ये वीडियो में बने रहें, एंड जो भी डिस्ट्रैक्शन है सबको पहले काट दें, एंड ये वीडियो को पूरा फोकस से देखें, तो आपको इससे इस वीडियो से मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकेगा। सो हम तो ये डोपामिन सिस्टम इतना कैपेसिटी रखते हैं ह्यूमंस को पुश करने का, एंड अभी जो ह्यूमंस तरक्की की है इतना सारा, पहले हमारा स्टोन एज में था कि इंसान पत्थर से एवोल्यूशन करके अभी इतना आगे, इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स, स्काई स्क्रैपर्स वो सब बना के रखे हैं। सो क्या इसमें डोपामिन इतना मेजर रोल प्ले कर सकते हैं, तो आगे फ्यूचर में और कितना कर सकते हैं? एंड जब हम कुछ नहीं करते हैं तो क्यों हमें लेजीनेस एंड अनमोटिवेटेड लगता है, तब हमें फील गुड सेंसेशन सब नहीं आता, ये आपने कभी सोचा है? तो यही है डोपामिन जो हमें आगे पुश करते रहता है। एंड डेली एक्टिविटीज़ जो हम करते हैं, जैसे कि फ़ोन में गेम खेलते रहना, इंस्टाग्राम चलाना, सोशल मीडिया पे बेफालतू का खाली स्क्रॉल करते रहना, टाइम वेस्ट करना, एंड चॉकलेट्स खाना एंड टेस्टी फूड्स खाना, वो हमें इतना डोपामिन देता है कि हमें पढ़ना तो क्या, कुछ भी जो हार्ड टास्क है वो हम कर नहीं पाते हैं, तो हमें लगता है कि हम लेजी है, अनमोटिवेटेड है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई लेजी एंड अनमोटिवेटेड नहीं है, बस ये काम है वो, ये इतना डोपामिन हाई देता है कि आपको पढ़ने से उतना नहीं मिलता, आपको लो मिलता है, एंड जब इतना हाई से आप लो कुछ करने का मन ही नहीं करेगा, एंड वो इजी है प्राप्त करने के लिए, एंड वो पढ़ाई करके आपको उतना डोपामिन नहीं मिलता जितना आप एक क्लिक से सोशल मीडिया में फ़ोटो देख के आपको डोपामिन मिलता है। सो यही फैक्टर आता है कि आप जब अपना दोस्त से कंपैरिजन करते हैं कि ये इतना पढ़ के भी लाता है एंड हम भी इतना पढ़ रहे हैं बट मेरे को क्यों नहीं आ रहा है रिजल्ट्स, एंड मेरा ड्रीम्स क्यों अचीव नहीं हो रहा है, वही दूसरा का कैसे हो रहा है? ये डोपामिन डिटॉक्स को अचीव कैसे कर सकते हैं? जैसे कि हमें कोई भी एक्टिविटीज डोपामिन हाई देता है उसे एक दिन के लिए कटआउट कर दीजिए, जैसे कि आपको फ़ोन चलाना, सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करना, गेम्स खेलना एंड यूट्यूब वीडियोस देखना जो नेसेसरी है नहीं, जो अनप्रोडक्टिव चीज़ है, तो उसे एक दिन कटआउट करके देखिए। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जिससे मिलता है उसको रिप्लेस कर दीजिए डिलेड ग्रेटिफिकेशन से, जैसे कि पढ़ना, एक्सरसाइज करना, एंड उससे कंसिस्टेंट रहे, एंड खाली आप ये एक दिन ट्राई करिएगा, आपका ब्रेन रीसेट होना शुरू होगा, एंड नेक्स्ट टाइम से ये दिमाग अपना रिवायर करना शुरू करेगा, एंड जैसे कि आपको जो चीज़ हार्ड लगता है जिससे आपको उतना खुशी नहीं मिलता है, एंड जब दिमाग रीसेट हो जाएगा तो आपको
ये सब एक्सरसाइज करना, पढ़ना, वो सब थोड़ा सा भी करने से आपको बहुत डोपामिन हाई मिलता है। ये मैंने ट्राई किया, सो आप भी एक बार ट्राई करके देखिए सिर्फ एक दिन के लिए। गेमिंग एंड सोशल मीडिया, वो सब ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि वो आपको और एंगेज रखते जाए। एंड उसमें न्यू वर्जन्स क्यों आता है कि आप उसमें अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड करें, एंड उससे आप ही लोगों का टाइम लॉस होता है एंड वो लोगों को रेवेन्यू आता है। सो प्रॉफिट वो लोग हो रहा है एंड लॉस हो रहा है आपका। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको ये डोपामिन डिटॉक्स को अप्लाई करके वो अपना एक्स्ट्राऑर्डिनरी ड्रीम्स को पूरा करना है ऑर्डिनरी पर्सन होके, या वही इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में फंस के रह जाना जाल की तरह, जैसे स्पाइडर अपना जाल में सबको फंसा के रखता है। ये हमारे डिस्ट्रैक्शन फुल वर्ल्ड में हम लोग भी वही वैसे ही वो जाल में हम लोग फंसे हुए हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का। सो इसी तरह हमारे डोपामिन सिस्टम नष्ट है। सो जब ये रिसेट हो जाता है एंड हम हार्ड टास्क करते हैं तो हमें इजी लगने लगता है वो सब, एंड इतना डोपामिन मिलता है क्या पता है। जैसे कि आप वही दोस्त का एग्जांपल समझे जो हार्ड टास्क कर लेता है एंड इतना अच्छा अच्छा मार्क्स ला लेता है। सो आप भी वैसा बन सकते हैं अगर आप ये सब चीज़ को फॉलो करें तो। जब वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ड्रीम्स अचीव करना शुरू करेंगे देन आपका वर्जन जो आगे आते रहेगा उसे देख के आप मोटिवेट खुद होते रहेंगे एंड वो आपको और पुश करते रहेगा एंड वो आपको और डोपामिन देगा। सब बनना चाहते हैं एलन मस्क तरह, वो लोग जैसे बहुत स्पेशल पर्सन है जो लोग पुश करते हैं, बट ऐसा कोई पुश करना ही नहीं चाहता, सब इसी में उलझे हैं तो कैसे आगे बढ़ेंगे। सो आपको भी ये ट्राई करना चाहिए डोपामिन डिटॉक्स, जिससे कि आप भी वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट ला सकते हैं हार्ड टास्क करके। सो आपको वो ड्रीम्स पाने के लिए ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाला चीज़ को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि वो लॉन्ग रन में आपको हेल्प करेगा एंड ये डोपामिन डिटॉक्स का बहुत फ़ायदा है। सो आप भी इसे फॉलो करें एंड यूट्यूब एल्गोरिथम को पता चले एंड ये वीडियो दूसरे लोगों के भी होम पेज में अपीयर हो, अगर आप इसे लाइक करें एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें तो, एंड ताकि एंड आप ऐसा वीडियोस और देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको क्या चाहिए, किस टाइप का वीडियो चाहिए। अगर आपको ये डोपामिन डिटॉक्स वाला वीडियो पसंद है एंड आपके थॉट्स बताइए डोपामिन डिटॉक्स में कमेंट में। सो हम लोग तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। सो पीस आउट गाइस। Play out the coupe at the light.